तरीके से पार्टी के वर्कर्स के ऊपर 1977 से लेके 1988 तक जुल्म किया गया। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि उसके बाद 1988 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो जो बहुत सारे लोग थे ना जिन्होंने ये मजालिम किए थे वो डर रहे थे कि अब पता नहीं इंतकामी कार्रवाई होंगी हमारे खिलाफ, तो इतने शवाहिद मौजूद हैं किस तरीके से हमने जुल्म किए थे। लेकिन उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ना सिर्फ मुल्क में, ये तो वो शख्स है जो मुल्क के अंदर रह के अपने मुल्क को बदनाम करता था, करता रहा। कभी वो साइफर वाला लेके आया, आजकल भी सुना है सऊदी अरब के खिलाफ उनके लोग आधे एक तरफ बयान देते दूसरे कहते नहीं ये सही नहीं है, ये एक तो पता भी नहीं ना, पता सिर्फ ये कि मुल्क में इंतशार फैलाना है। खैर, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि अमेरिकन कांग्रेस में खिताब करते हुए ये बात बताई थी कि जब मैं वापस मुझे एक जमहूरी तरीके से इलेक्ट करके पाकिस्तान की मैं वज़ीर आज़म बनी हूँ तो मेरे सारे जो जमहूरियत के दुश्मन थे उन्होंने समझा कि मैं इंतकामी कार्रवाइयाँ करूँगी। सब डरे हुए थे लेकिन मैंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और उनके जो लफ्ज़ थे जो आज तक गूंज रहे हैं, जो उन्होंने US कांग्रेस में कहे थे कि आई डिड नॉट डू दिस बिकॉज डेमोक्रेसी वॉज द ग्रेटेस्ट रिवेंज, जमहूरियत से वो सारे डिक्टेटर ख़त्म हुए। और वही कुर्बानी थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। उसके बाद आगे आए 2007 में 27 दिसंबर एक और सियाह दिन इस मुल्क की तारीख में, जब मोहतरमा